खेसारी जी के मैनेजर साहब बदल गए, आप नया मैनेजर हैं क्या? क्योंकि विवेक सिंह ने लिख दिया कि मैनेजर आएंगे जाते रहेंगे, लेकिन स्टार थे, स्टार हैं और स्टार रहेंगे। तो ऐसे में नया मैनेजर पवन पांडे जी हैं क्या? तो ये थोड़े विवेक सिंह ने लिखा है कि मैं खेसारी जी का मैनेजर नहीं हूँ, ये कहाँ लिखे हैं? नहीं, अफवाह चल रही है ना सोशल मीडिया पर, चल रही है कि भाई विवेक सिंह आउट हो गए हैं, अब मैनेजर कोई और हो गया। क्योंकि जिस तरीके मैनेजर आएंगे जाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये शब्दों का चयन है ना। हो सकता है किसी और मैनेजर के बारे में बोलें, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक मनगप्त बात बोलने से कोई अच्छा नहीं। अच्छा, तो ऑफिशियली मैनेजर कौन है ये पता चल जाए, कम से कम मीडिया लोगों को पता चले कि भाई ऑफिशियली मैनेजर अभी है कौन। ऑफिशियल मैनेजर जैसे अभी खेसारी जी का जैसे था वैसे ही सब लोग हैं। अच्छा, मतलब सारे लोग मैनेजर हैं क्या? अब खेसारी जी बताएंगे ना ऑफिशियल उनके मैनेजर कौन है। आप भी तो टीम में हैं, किसको जानते थे आप इसके पहले? इससे पहले तो हम दो दो लोगों को जानते थे। तो वही दो लोगों को जानिए अभी भी, आप जिसको जानते थे यथावत जानिए अभी भी। मतलब कोई कमेंट लिखते हैं ना कि भैया पूछिए कि भैया अभी ऑफिशियली मैनेजर कौन है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि खेसारी जी की हर बातों को जानना चाहते हैं ना। जैसे उनके गाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है भाई, कहाँ कौन क्या अटैच कर रहा है, कौन निकल रहा है, हर चीज़ों की जानकारी चाहिए। तो वाकई में ही विवेक सिंह हैं अभी खेसारी टीम में हैं कि वो निकल गए? क्योंकि इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। देखिए क्या है ना कि ऐसी जैसे आपको जो कमेंट कर रहे हैं कि खेसारी टीम का ऑफिशियल मैनेजर कौन है, उनको कमेंट में कमेंट करके पूछिए कि अभी तक आपको कौन ऑफिशियल दिख रहा था। वो अभी भी ऑफिशियल है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी से क्वेश्चन पूछिए, उसी के क्वेश्चन में उसका आंसर है। क्वेश्चन वाले से कैसे पूछा, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा उससे ना जो खेसारी टीम में। आप राइटर हैं, अब खेसारी भैया सामने मिलेंगे तो खेसारी भैया से पूछेंगे। अभी तक आप किसको जानते थे? अभी तक तो हम दो ही लोगों को जानते थे, बस दो ही लोग जानते थे। आज भी दो ही लोगों को जानते हैं? अच्छा, आज भी दो ही लोग हैं, दो ही लोग को जानते। तो भाई सिंपल सी बात है, समझ जाओ अभी कुछ नहीं है, ये खाली क्यूरियोसिटी वाला गेम चल रहा है। ये सपना चौहान अलग क्यों हुई थी? ऐसा मार्केट में कहा जा रहा था कि भाई सपना चौहान खेसारी जी की दूरियां दूर हो चुकी है, अब एक दूसरे के साथ नज़दीकियां नहीं। आखिर ये कनेक्शन बिठाया कौन गया, कौन किस मतलब किनकी ये चीज़ उपज थी कि भाई दोनों को एक साथ लाया जाए फिर से? तो ये खेसारी जी कहाँ कहीं लिखे थे कि सपना चौहान हमसे अलग है? ये गाना अगर मान के चलिए दो चार गाना नहीं आया तो अलग हो गई, थोड़े अलग होने का मतलब जैसे काजल राघवानी के साथ फिल्म नहीं आ रही है, फिर एक दो गाना के बाद तो तीसरा गाना आइए गया, दो चार गाना के बाद पांचवा गाना आइए गया, तो फिर अलग कहाँ है? लोग पब्लिक इसी तरह दिमाग लगा लेते रहता है अपना कि हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कुछ लोग अपना मसाला इंटरटेन उसी में करते हैं। मतलब ऑफिशियली अलग नहीं है, मतलब अब रेगुलर आएगा, हमेशा आएगा और हमेशा गाना। अभी तो हमारे दो गाना शूटिंग हुआ है सपना चौहान के साथ, तो अब कहिया छूटेगा, तो मान के चलिए बाद में छूटेगा, बीच में गाना नहीं आया, तो ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है सब कुछ। आपका कहिया आ रहा है? अब देखिए कहिया आता है, तो कंपनी के ऊपर गाना का है, वेव कंपनी का है, एक केवीपी का है। अच्छा, केवीपी को लेकर आप कह रहे थे कि भाई खुलेगा खुलेगा, पुराना वाला गाने का रिमिक्स वर्जन किया जा रहा है, कब तक अपडेट है? केवीपी तो खैर आप ही का है ना? नहीं, आप ही का है ना ये वो विकास भैया का नाम आप क्यों ले रहे हैं? आप बोलिए पवन पांडे का है। नहीं नहीं, विकास भैया उसके मालिक हैं। हाँ, मालिक विकास भैया, लेकिन कार्यकर्ता तो आप ही है, मैनेजर तो आप ही है ना जी? हाँ, कार्यकर्ता हम ही है। हाँ, जल्दी आएगा उस पर, अभी इलेक्शन के बाद आएगा वो, चूँकि इलेक्शन में अभी माहौल इलेक्शन का चल रहा है, अभी गाना नहीं चल रहा है, अभी लोग देख रहे हैं कि इसका कितना वोट है, मोदी जी का रोड शो कितना दूर हुआ, पवन जी का अथी भीड़ कितना हुआ, यही लोग देख रहे हैं। क्या कहिएगा फैंस? चलिए, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पास पहुंचे, और सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुनावी माहौल में बने रहिए। थैंक यू। चलिए, नमस्कार।